डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ मुजाहिद खान और आपका प्यारा सा चैनल आइडियल कोचिंग क्लासेस अकोला। तो प्यारे बच्चों, हमारा चैप्टर शुरू था सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। इससे पहले हमने इसके 7 लेक्चर एक्सप्लेन किए, जिसमें सॉल्यूशन एज वेल एज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमारे सिलेबस में 4 है, जिसमें से हम 2 कंप्लीट कर चुके हैं, उनके न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम और उनका डेरिवेशन। फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी था लोअरिंग इन रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़े थे हमने एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। चलिए आप ध्यान से देखिए, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है ना। तो इस लेक्चर में हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ये पढ़ेंगे, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट क्या रहता, उसका यूनिट क्या है, और 1 मार्क के लिए बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता क्रायोस्कोपी, ठीक है ना। तो आज के लेक्चर में डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन रहेगा, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए आप, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो सबसे पहले समझ लेंगे हम फ्रीजिंग पॉइंट क्या है। फ्रीजिंग पॉइंट, ये पूरे टॉपिक को मैं ग्राफ के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। ध्यान से देखिए आप, मान लीजिए यहां पर हमने ग्राफ ड्रॉ किए वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर, है ना। और ये तो आपको पता है क्या, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ साथ लिक्विड का वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होता, समझे। एज इंक्रीज टेम्परेचर देन वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड आल्सो इंक्रीजेस, है ना। मान लीजिए मैंने यहां पर प्योर सॉल्वेंट लिया, तो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ये ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू सॉल्यूशन, ठीक है ना। पता है आपको कि प्योर सॉल्वेंट मींस वाटर और यहां पर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कंटेनिंग, है ना, मींस ऐसा सॉल्यूशन जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट हो, तो इसका वेपर प्रेशर कम रहेगा। यहां लिखे हमने सॉल्वेंट और यहां रहेगा सॉल्यूशन, है ना। कौन से स्टेट में है ये, लिक्विड, और ये भी क्या है, लिक्विड स्टेट। ध्यान से देखना, आपने ग्राफ के थ्रू मैं आपको डेफिनेशन समझाता, और यहां यूज किए हमने सॉलिड सॉल्वेंट, ठीक है ना। यहां यूज किए हमने सॉलिड सॉल्वेंट, ठीक है। यहां पर सॉल्वेंट यूज किया मैंने, लेकिन कौन सा है, लिक्विड, और यह है सॉल्यूशन, ठीक है ना। चलिए ध्यान से देखिए आप, हमने क्या किया कि इसका ग्राफ ड्रॉ कर रहे, समझ लो आप, ठीक है। ये टेम्परेचर थोड़ा सा नीचे लिख लेते, ठीक है। इसको माने हमने टी नॉट, क्या माने इसको, टी नॉट, है ना, क्योंकि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, सॉरी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, है ना। अब यहां पर देखिए, यह है सॉल्यूशन और ये ग्राफ, ये किसका ग्राफ आ रहा है, यहां से सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है ना। और जिस टेम्परेचर पर इसको हमें काम करते ना, इसको पॉइंट ए मान लेते हैं, इसको हम पॉइंट बी मान लिए, इसको हमने पॉइंट सी मान लिए, बराबर। तो जो आपको यहां पर बी और सी दिख रहा, टी और टी नॉट दिख रहा, ये दिखाई दे रहा आपको, तो देखिए यहां पर सॉल्वेंट है और ये सॉल्यूशन है, सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा है और सॉल्यूशन का कम है, इसी को बोलेंगे हम डेल्टा टी एफ, मतलब इसका और इसका डिफरेंस, है ना, इसके हिसाब से बोलेंगे बी और सी का डिफरेंस, यहां पर टी नॉट और टी का डिफरेंस, दैट इज कॉल्ड एज फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है ना।
तो डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट में आपको आगे समझाता, ठीक है। उससे पहले आप ये समझ लो फ्रीजिंग पॉइंट किसको बोलेंगे। देखिए मान लीजिए आप यहां पर, यह है लिक्विड, जैसे जैसे टेम्परेचर कम होगा है ना, तो लिक्विड धीरे धीरे सॉलिडिफाई होगा है ना। फ्रीजिंग पॉइंट में क्या होगा कि लिक्विड का कन्वर्जन काय में होगा, सॉलिड स्टेट में है ना। तो देखिए यहां पर ये लिक्विड धीरे धीरे सॉलिडिफाई हो रहा है, इस टेम्परेचर पर, ये टेम्परेचर पर लिक्विड सॉलिडिफाई होगा है ना, इसको बोलेंगे हम फ्रीजिंग पॉइंट। अब यहां पर सॉल्यूशन देखिए कि सॉल्यूशन सॉलिडिफाई हो रहा लेकिन कौन से टेम्परेचर पर, इस टेम्परेचर पर, बराबर इस टेम्परेचर पर सॉलिड सॉलिडिफाई हो रहा, ठीक है ना। तो फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा किसका दिख रहा है आपको, सॉल्वेंट का, और सॉल्यूशन का कम है, और दो तीन मेथड बताने वाला हूं मैं आपको। चलिए तो जिस टेम्परेचर पर लिक्विड सॉलिडिफाई हो रहा उसको बोलेंगे हम फ्रीजिंग पॉइंट, बराबर ना। मीन्स द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, बराबर है, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, चाहे तो आप सॉल्वेंट वाला बोलो या फिर सॉल्यूशन वाला, द टेम्परेचर एट विच है ना, टेम्परेचर पर डिपेंड, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द है ना वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड, ये सॉलिड का वेपर प्रेशर कॉल्ड एज फ्रीजिंग पॉइंट। देखिए आप द टेम्परेचर एट विच है ना वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड becomes equal to the vapor pressure of solid called as freezing point। क्या बोलेंगे आप इसको, freezing point। concept समझ में आ गया आपको, the temperature at which vapor pressure of liquid becomes equal to the vapor pressure of solid called as freezing point, ठीक है ना। freezing point समझ में आ गया, एक मार्क के लिए डेफिनेशन पूछ सकता आपको, शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, वीपी है ना ऑफ लिक्विड, वीपी ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द है ना वीपी ऑफ सॉलिड, ये रटने के लिए मेथड है। कंसेप्ट समझ में आएगा आपको, मीन्स ऐसा टेम्परेचर, इस टेम्परेचर पर ये सॉलिडिफाई हो रहा, इस टेम्परेचर पर ये सॉलिडिफाई हो रहा है ना, दैट इज कॉल्ड एज फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट समझ में आएगा आपको, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड becomes equal to the vapor pressure of solid। अब हमारा मेन पॉइंट पढ़ते हैं हम, कौन सा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। कंसेप्ट तो आपको समझ में आ गया होगा, चलिए देखिए ये पॉज करके नोट कर लो आप, ग्राफ अभी रहने देते हैं। हाँ क्या है ये, वीपी इंक्रीज, हाँ देखिए अब यहां पर क्या होगा, क्या इसको और इसका जो डिफरेंस बताया मैंने आपको, ये है डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू द टी, और ये है टी नॉट, ये है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और ये कह रहे हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, दोनों का डिफरेंस, दैट इज कॉल्ड एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो देखिए हम ऐसे लिख सकते हैं क्या आपको, चलिए डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू टी नॉट माइनस टी, कंसेप्ट समझ में आया आपको, क्या यहां पर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा है एज कंपेयर टू सॉल्यूशन, बराबर है, कंसेप्ट समझ में आ रहा आपको। देखिए तो डिफिनेशन क्या रहेगा इसका, मैं और एक मेथड बताने वाला हूं आपको, लेकिन थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको इसके बारे में, डायरेक्ट उठा के नहीं बोल सकते आप। देखिए दो कंटेनर यूज किए हमने, इसमें यूज किए हमने सॉल्वेंट दैट इज प्योर सॉल्वेंट, और यहां पर यूज किए हमने सॉल्यूशन, क्या यूज किए, लेकिन इसमें सॉल्यूट कौन सा प्रेजेंट है, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, क्या प्रेजेंट है, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। अब देखिए इस पे मैक्सिमम स्टूडेंट को हम क्वेश्चन पूछते रहते थे, लेकिन इसमें
तकरीबन बच्चे गलत आंसर बताते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट किसका ज्यादा रहेगा किसका कम रहेगा। मान लीजिए मैंने सेम वॉल्यूम यूज किया, इसमें आधा लीटर पानी और इसमें शुगर प्लस वाटर, सोचो आप क्या यूज किया हमने, हाफ लीटर वाटर और इसमें यूज किया हमने शुगर प्लस वाटर, है ना। यहां पर है मान लो आप वाटर और ये है शुगर सॉल्यूशन, कुछ लेस अमाउंट में शुगर प्रेजेंट है ना, और ट्रू सॉल्यूशन मान लीजिए आप। अब दोनों को हमने फ्रिज में रख दिया, तो तकरीबन बच्चे ये आंसर देते हैं कि सर ये पहले सॉलिडिफाई होगा बाद में ये होगा, लेकिन नहीं, मैं आपको ये बोलूंगा कि पहले वाटर सॉलिडिफाई होगा बाद में ये होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर देखिए प्योर सॉल्वेंट प्रेजेंट है और इसका एक ऑर्डर स्टेट ऑप्टेन होगा, ये खास पॉइंट है कि ऑप्टेन होगा ऑर्डर स्टेट, और ये सॉल्यूशन होगा सॉलिडिफाई लेकिन ये ऑर्डर स्टेट में नहीं होता, ऑर्डर स्टेट नॉट गिव्स, है ना। अब हम सॉलिड उस वक्त बोलेंगे, है ना, सॉलिड किसको बोलते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड किसको बोलते हैं, द सॉलिड हैविंग डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप एंड कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कौन कौन से, एटम मॉलिक्यूल और आयंस आर रेगुलरली अरेंज ऑर्डर स्टेट, है ना, कॉल्ड एज क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो देखिए यहां पर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होने की वजह से, है ना, यहां पर इतना याद रखना कि इसमें ऑर्डर स्टेट ऑप्टेन नहीं होगा, इस बेसिस पर, है ना, प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा रहता एज कंपेयर टू सॉल्यूशन। कंसेप्ट समझ में आ गया, सो वी कैन से दैट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज ग्रेटर देन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। सो हाउ कैन वी एक्सप्लेन इट, इफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिजॉल्व इन सॉल्वेंट टू फॉर्म सॉल्यूशन, देयरफॉर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज ग्रेटर देन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, दैट्स व्हाई वी कैन रिटर्न एज डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू टी नॉट माइनस टी, मतलब दोनों का डिफरेंस। चलिए अगर आपको यहां से समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर यहां से नहीं समझा तो यहां से समझ लेना, लेकिन कैसे भी करके इसको लर्न कर लेना, ठीक है ना। तो दोनों का डिफरेंस देखिए आप, द डिफरेंस बिटवीन द डिफरेंस बिटवीन, ठीक है ना, द डिफरेंस बिटवीन, है ना, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कॉल्ड एज, है ना, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा टी एफ। कई किताबों में आपको यहां पर TF भी मिलेगा ऐसा, ठीक है ना, और इस तरह भी लिख सकते हैं, आप पर डिपेंड है जैसे लिखना चाहे लिखिए, ठीक है। इसमें कुछ डाउट है क्या, दोनों का डिफरेंस, दैट इज कॉल्ड एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इनका रिलेशनशिप क्या है, चलिए देखिए ये कंसेप्ट समझ में आ गया, नोट कर लो इसको। हाँ देखिए इसको मैं ग्राफ के थ्रू समझाने की कोशिश करता, देखिए ये पॉइंट बी और सी दिखा गया आपको, पॉइंट बोलिए बी सी, बराबर है, ये क्या है बताइए, ये है सर डेल्टा टी एफ, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, है ना। अब यहां पर देखिए आप पॉइंट ए और बी, पॉइंट ए और बी ये क्या है बताइए, किसका डिफरेंस दिख रहा है आपको, वेपर प्रेशर का, वेपर प्रेशर ज्यादा किसका है, सॉल्वेंट का, सॉल्यूशन का कम है, तो बी सी है ना एंड क्या है ए बी आर इक्विवेलेंट, क्या है बोलिए, इक्विवेलेंट, और ए बी क्या है बताइए आप, यहां पर डेल्टा पी है इक्विवेलेंट। तो देखिए ये जो है रिलेशनशिप बिटवीन, है ना, किसका, रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा टी एफ, डेल्टा टी एफ एंड डेल्टा पी, इसका रिलेशनशिप एक्सप्लेन किया था, रिलेशनशिप ये एक्सप्लेन किया था गोल्डबर्ग, साइंटिस्ट का नाम याद रखना आपने, किसने, गोल्डबर्ग,
सीएम सीएम गडवर्क कब 1878 में, एंड एफ एम रॉल्स रॉल्स लॉ पढ़े ना हमने कब 1880 में, ठीक है ना। मतलब ये जो रिलेशनशिप मैं आपको बता रही है किसने एक्सप्लेन किया था, गल्डबर्ग ने और रॉल्ट ने, ठीक है ना। और इसका थ्योरेटिकल ट्रीटमेंट किया वान्ट हॉफ्स कब 1886 में। तो देखिए इनका स्टेटमेंट क्या था, ये जो लिखा मैंने यहां पर कि द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। समझ में आ रहा आपको, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। कंसेप्ट समझ में आ गया आपको। चलिए देखिए, द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, है ना, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। देखिए डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेल्टा पी, और हम इसको ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पी वन नॉट माइनस पी। सही है ना, ये था पी वन नॉट और ये क्या है पी, बराबर है, दोनों का डिफरेंस दैट इज डेल्टा पी। मतलब इन शॉर्ट इसको क्या बता देंगे आप, डेल्टा पी, और इसको क्या बता देंगे डेल्टा टी एफ, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। कंसेप्ट समझ में आ गया आपको, ठीक है ना। तो आप इसको पॉज करके नोट कर लो। हाँ अब नेक्स्ट एडिट डालना, रिलेशनशिप बिटवीन मोलालिटी स्मॉल m एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। समझ लीजिए पहले आप इसका रिलेशनशिप क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन, है ना, मोलालिटी एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। देखिए द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलालिटी, ये एक्सपेरिमेंटल प्रूफ था, एक्सपेरिमेंट से ये पता चला हमारे को क्या, द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलालिटी, द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलालिटी, बराबर। ये एक्सपेरिमेंट के जरिए हमारे को पता चला, तो हम लिख सकते कैसा, ओके सर, डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, बिल्कुल सर, एम क्या है यहां पर मोलालिटी। हमने क्या किया यहां पर, देखिए क्या, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू द के एफ इन टू एम, के एफ क्या है यहां पर, ये है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट या फिर मोलाल डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट और फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट, ऐसे बहुत सारे इसके नाम हैं, ठीक है ना। ये कंसेप्ट समझ में आ गया आपको, कि हमने क्या किया, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा करके डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इन टू एम, बराबर है। अब देखिए अगर इफ एम इज इक्वल टू वन हो, मोलालिटी कितना हो, वन, मोलालिटी वन है मतलब वन मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन वन के जी ऑफ सॉल्वेंट, है ना। अगर m इज इक्वल टू वन रहा तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ, ये हो जाएगा। अगर m इज इक्वल टू वन रहा तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
वन, तो इसका मीनिंग क्या हो रहा, देखिए वन मोलार मीन्स देखिए व्हेन वन मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन वन केजी ऑफ सॉल्वेंट, वन मोलार क्या था, वन मोलार, मोलार क्या इसका मीनिंग, व्हेन वन मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन वन केजी ऑफ सॉल्वेंट देन डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कॉल्ड एज क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट। तो देखिए इसका डेफिनेशन क्या होगा, द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट प्रोड्यूस, द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट प्रोड्यूस है ना, व्हेन वन मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन वन केजी ऑफ सॉल्वेंट, डिजॉल्व इन वन केजी ऑफ सॉल्वेंट है ना, कॉल्ड एस के एफ, क्या रहेगा, कॉल्ड एस के एफ। कंसेप्ट समझ आया क्या आपको, देखिए क्या मान लीजिए यहां पर मैंने एन टू यूज किया, कितना मोल, वन मोल, व्हेन वन मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन काय में, वन केजी ऑफ सॉल्वेंट देन है ना डेल्टा टी एफ डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कॉल्ड एस के एफ क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट। ठीक है, कंसेप्ट समझ में आया आपको, अगर m इज इक्वल टू वन रहा तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के एफ, बस यही पॉइंट को आपको लिखना है। क्या देखिए, जब हम एक मोल सॉल्यूट को डिजोल्व करेंगे वन केजी सॉल्वेंट में, क्या में डिजोल्व करेंगे इसको वन केजी सॉल्वेंट में, और इसकी वजह से जब बॉइलिंग पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होगा दैट इज कॉल्ड एज है ना क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय के एफ। अब इसका यूनिट कैसे निकालेंगे आप, देखिए के एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे इस फॉर्मूले के हिसाब से, डेल्टा टी एफ अपॉन एम है ना, सो के एफ इज इक्वल टू, देखिए टेम्परेचर है ना इसका एस आई यूनिट क्या है, केल्विन, और मोलिटी का रहता मोल पर के जी, तो क्या हो जाएगा केल्विन के जी मोल इनवर्स, देयर फॉर इट्स यूनिट है ना, इसलिए हम बोल सकते हैं क्या इसका एस आई यूनिट क्या रहेगा, केल्विन के जी मोल इनवर्स। इससे पहले जो हमने पढ़े इबिलोस्कोपिक कॉन्स्टेंट उसका भी सेम यूनिट था केल्विन के जी मोल इनवर्स, कंसेप्ट समझ में आएगा आपको, केल्विन के जी मोल इनवर्स, डेफिनेशन समझ गया, क्रायोस्कोपिक समझ गए, एक क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट, अभी क्रायोस्कोपिक का डेफिनेशन समझाना बाकी है, लास्ट में बताता हूं। इसमें कुछ डाउट है क्या आपको, पक्का, चलिए नोट कर लो आप, हाँ देखिए मोलिटी आपको पता है, वी नो दैट है ना, m इज इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है ना अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट है ना इन केजी। इस बेसिस पर आप क्या बोलेंगे क्या, देयर फॉर है ना, ये काय पे डिपेंड है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख रहा आपको, सो वी कैन से दैट इट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, कौन सा प्रॉपर्टी है ये, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्यों बोले आपने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, बिकॉज डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलालिटी, और मोलालिटी काय के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के है ना। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसको बोलते हैं, द प्रॉपर्टी विच इज डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, नंबर क्या हो सकते हैं, मोल्स हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं, द प्रॉपर्टी विच इज डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल एंड इनडिपेंडेंट ऑन नेचर ऑफ सॉल्यूट कॉल्ड एज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, बराबर है। तो चलिए देखिए एम इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे, इससे पहले भी मैंने एक्सप्लेन किया था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या रहता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो मास ऑफ सॉल्यूट को हम रिप्रेजेंट करेंगे डब्ल्यू टू अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट क्या रहेगा एम टू इन टू मास ऑफ सॉल्वेंट इन के जी है ना, तो अपॉन थाउजेंड नहीं करके हम इसको ऊपर लेके चले जाएंगे इन टू थाउजेंड है ना। देखिए यहां तक के समझ में आ गया आपको, चलिए सो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू द है ना के एफ इन टू एम है ना, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर वन, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इन टू है ना W2 into 1000
अपॉन एम टू इंटू डब्ल्यू वन। तो यहाँ हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है काय के मोलर मास ऑफ सॉल्यूट के। इससे पहले हमने प्रूफ ऐसे किए थे कि डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू डब्ल्यू टू इंटू थाउजेंड या फिर इसको के जी में लिख लीजिए की बात है अपॉन एम टू इंटू डब्ल्यू वन है ना। सो वी कैन से दैट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ये इन्वर्सली रहता है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट के। अच्छा आप इसको और ऐसे लिख सकते हैं बिल्कुल एम टू इज इक्वल टू के एफ इंटू डब्ल्यू टू इंटू थाउजेंड अपॉन है ना डेल्टा टी एफ इंटू डब्ल्यू वन। अच्छा एक क्वेश्चन आपसे मेरा ये है कि आप एम टू कब निकालेंगे, बाकी तो सब गिवन रहेगा क्वेश्चन में, जब आपको डेल्टा टी एफ पता हो। समझे क्या बोला, एम टू हम कब निकालेंगे जब हमारे को डेल्टा टी एफ पता हो, बराबर है। और इसी को बोलेंगे हम क्रायोस्कोपी। समझे कि एकदम सिंपल भाषा में मैंने इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश किया। क्रायोस्कोपी, एक क्रायोस्कोपी कांस्टेंट अलग है और क्रायोस्कोपी अलग है। देखिए क्रायोस्कोपी किसको बोलेंगे हम, क्या बोला मैंने आपको, क्या एम टू कब निकाल सकते हैं आप, जब हमारे को डेल्टा टी एफ पता हो, बराबर है। और ये एम टू कहां से आया, मोलार मास से, और ये क्या था, एक्सपेरिमेंटल प्रॉपर्टी, एक्सपेरिमेंटल मेथड, ठीक है ना। तो देखिए द एक्सपेरिमेंटल मेथड टू डिटरमाइन मोलार मास, टू डिटरमाइन मोलार मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, क्योंकि यहां पर हम नॉन वोलेटाइल की ही बात कर रहे हैं ना। द एक्सपेरिमेंटल मेथड टू डिटरमाइन मोलार मास ऑफ सॉल्यूट, लेकिन कब, बाय डिटरमाइनिंग फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कॉल्ड एज क्रायोस्कोपी। क्या बोलेंगे आप इसको, क्रायोस्कोपी। एकदम सिंपल भाषा में आप याद रखना कि एम टू हम कब निकाल सकते हैं, जब हम हमारे को डेल्टा टी एफ पता हो, बस उसी को लिखा मैंने यहाँ पर द एक्सपेरिमेंटल मेथड टू डिटरमाइन मोलार मास ऑफ सॉल्यूट है ना, लेकिन कब, बाय डिटरमाइनिंग है ना, बाय डिटरमाइनिंग फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कॉल्ड एज क्रायोस्कोपी। क्या बोलेंगे आप इसको, क्रायोस्कोपी, ठीक है ना। यहां तक के समझ में आ गया आपको, चलिए आप इसको पॉज करके नोट कीजिए। देखिए केएफ का फॉर्मूला क्या है, वैसा तो ये 99% केसेस में दिया हुआ रहता केएफ, लेकिन अगर कभी कभार नहीं दिया तो केएफ कैसे निकालेंगे आप, या फिर एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता द करेक्ट फॉर्मूला फॉर केएफ, तो केएफ इज इक्वल टू द आर टी नॉट स्क्वायर इनटू एम अपॉन थाउजेंड इनटू डेल्टा एच फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, और एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन इज इक्वल टू द है ना एल एफ इनटू एम, ये है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या है ये बोलिए, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है ना। तो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे, कोशिश करेंगे। तो आप इसको ये फॉर्मूले को तो याद कीजिए कि के एफ इज इक्वल टू द आर टी नॉट, आर क्या रहेंगे इसमें, गैस कॉन्स्टेंट, यहां लिख देता हूं इधर आर के है गैस कॉन्स्टेंट, कितना रहता है 8.314 जूल कैलोरी इनवर्स मोल इनवर्स, या फिर है ना ये एनर्जी वाले टर्म लिखने के इसमें, और 2 कैलोरीज मतलब 1.987 कैलोरीज मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, ठीक है ना। टी क्या है, टी नॉट क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट है ना, प्योर सॉल्वेंट,
फ्रिजिंग पड़ा प्योर सॉल्वेंट बस, बाकी नहीं। एम तो मोलार मास पता है आपको, एम क्या रहता, मोलार मास। अब देखिए ये तो हमारा एमसीक्यू के हिसाब से भी था और थ्योरी के हिसाब से भी, लेकिन थ्योरी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कैसे आते हैं? क्वेश्चन देखिए, थोड़ा क्वेश्चन को समझ बाद में सॉल्व करने की कोशिश करना। व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड मोलार मास ऑफ सॉल्यूट। क्वेश्चन है व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन, ठीक है ना, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा टी एफ डेल्टा है ना, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड मोलार मास ऑफ सॉल्यूट। तो ये 3 मार्क के लिए आप क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ सकता। तो व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट, तो आपको डेफिनेशन बॉइलिंग पॉइंट का लिखना है, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमोस्फेरिक प्रेशर कॉल्ड एज बॉइलिंग पॉइंट, है ना। और एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन, है ना, डेल्टा टी एफ एंड मोलार मास ऑफ सॉल्यूट। तो डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी, ये आपको लिखना पड़ेगा, और डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम, वो लिखना है। एम इज इक्वल टू क्या है, डब्ल्यू टू इंटू 1000 अपॉन एम टू इंटू डब्ल्यू वन, और वो वैल्यूज पुट करके फिर आपको ये पूरा प्रूफ करके बताना पड़ेगा क्या एम टू इज इक्वल टू के एफ इंटू डब्ल्यू टू इंटू 1000 अपॉन डेल्टा टी एफ इंटू डब्ल्यू वन, बराबर है। या फिर एक एक मार्क के लिए क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में आ सकता है कि व्हाट इज इबिलियोस्कोपी और व्हाट इज क्राइस्कोपी। तो इबिलियोस्कोपी पढ़ लो आप, क्राइस्कोपी आपको 100% बन जाएगा। तो मेरा सजेशन ये है एमसीक्यूज के लिए आपको और थ्योरी के लिए भी, कि आप दोनों में से कोई एक पढ़ लो, एक तो डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ लो या फिर एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट, सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, बस जहां पर हमने एफ यूज किए उसमें बी यूज किए थे बस, बाकी पूरा एज इट इज। अब यहाँ पर एफ यूज किए इसलिए इसको क्या बोले थे हमने, क्राइस्कोपिक कॉन्स्टेंट, और बी यूज किए थे इबिलियोस्कोपिक कॉन्स्टेंट, ठीक है ना। चलो बाय।